तो नमस्कार राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। आप तो मेरी तो मतलब ये दुआ है, आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह भले चंगे से रहें हमेशा, और क्योंकि आप मेरी परिवार की तरह हो। और दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ कैरी का अचार, यानी कि आम का अचार। आम का अचार इन दिनों बहुत पड़ रहा है उस, क्योंकि सीजन चल रहा है बरसात से पहले ही, या थोड़ी सी एक दो बारिश हो गई है हमारे यहाँ, तो बरसात के मौसम में जो आम का अचार है वो चलने लगा है, डालने लगे हैं लोग। तो हमारे यहाँ भी मैं 5 KG आम लेके आई हूँ, देसी वाले छोटे हैं, जो बड़े वाले नहीं लेके आई, छोटे वाले लेके आई हूँ। तो दोस्तों कैसे अचार हमारे यहाँ पड़ता है यूपी साइड में, तो मैं आपको विस्तार से बताऊँगी। और आम का अचार खाने में बेहद ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतर होता है। और हम लोग कैसे डालते हैं तो आप देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ये अचार के लिए सामान है जो मैं उसमें 5 किलो आम में डालने वाली हूँ। ये है सौंफ 150 ग्राम, और ये है 50 ग्राम जीरा, ये है 1/2 KG काली वाली सरसों, और ये है 250 ग्राम काला नमक, और ये है मेथी 250 ग्राम। ये कुछ साबुत पड़ेगी और कुछ मैं इसको भून लूँगी, साबुत डालने पीस पीस के रख दूँगी। और ये है अजवाइन, और ये तो थोड़ी सी भून के, और फिलहाल तो मैं इसकी नमी जो निकल जाए ना, इसलिए थोड़ी सी देर धूप में रखूँगी, तो हल्का सा ये सूख जाएंगी, फिर मैं इनको हल्का सा भूनूँगी। उसके बाद ये थोड़ा सा पीसेंगे दरदरे से, कुछ साबुत हो कुछ पीस के, तब हम अचार डालेंगे। ये है हल्दी 250 ग्राम, ये इसमें हल्दी पड़ जाएगी, और ये है देगी मिर्च, और ये है इसमें हींग, तो ये हींग भी पड़ेगी उसमें, और ये नमक है इसमें से कम 1/4 किलो नमक 5 किलो में पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने मेरे पास रखी है लाल मिर्च, वो भी मैं डालूँगी, यूज़ करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिलहाल तो ये मैं छत पर सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ये आम है हमारे जो मैंने 7-8 घंटे शाम को लाई थी मैं रात को, तो पूरी रात ये पानी में रहे हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे कटने में आसानी हो जाएगी। और ये सब बताते हैं, हमारी सास बताती है कि पानी में रात भर भिगोने से आम जो हमेशा फ्रेश रहते हैं, और जो नमी सी हो जाती है एकदम नहीं, मतलब जो पकने लायक हो जाते हैं गर्मी की वजह से पक जाते हैं, तो वो नहीं होंगे, और भिगोना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ जो रिवाज सी चली आ रही, तो इसलिए मैंने 7-8 घंटे हो जाते हैं रात को भिगोए थे। तो अब हम ये जो जहाँ जो ये डंठल लगता है उसको हम काट देंगे, और जो मेरे पास तो हसिया है, जो हमारे यहाँ यूपी में हसिया ही होता है अक्सर, घर में काम करते हैं और लोग जैसे वो बका बोलते हैं उससे भी काट लेते हैं, काटने वाली आम को काटने वाली एक ऐसा हसिया टाइप में आता है, वो भी उससे भी काट सकते हैं। तो ये मैंने 4 भागों में काट लिए हैं, ज़्यादा इसके नहीं पीस हो पाएंगे, क्योंकि ये देसी आम है तो बहुत टाइट कटता है, क्योंकि मैं इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो हम आम को अच्छे से काट लेंगे डंठल को काट के, और ये बहुत ही देसी आम है इसलिए बड़ा धीरे काटना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि हाथ में कहीं लग नहीं जाए, और बहुत टाइट कटता है दोस्तों, क्योंकि ये वैसा ये दूसरा वाला आम नहीं, यूपी का आम है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको काटने में। तो मैं 4 पीस कर ले रही हूँ, और साथ में जो गुठली है उसको भी निकाल ले रही हूँ, और ऐसे ऐसे मेरे को सारे पीसेस कट गए हैं मेरे। और अब हम क्या करेंगे, अपने जो मसाले हैं उनको हल्का हल्का भून लेंगे सूख के तैयार, पहले मैंने सूखा लिया था इनको। और ये है ये सारे, ये मेथी मेरी भून चुकी है, और अब मैं सौंफ को भून लूँगी अच्छे से, और अब जीरा भून लेंगे हम हल्का सा, सुनहरा होने तक भूनना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। मेथी भी भून ली है मैंने, सारे मसाले मेरे भून चुके हैं,
और अब हम कर लेंगे इनको पीसना है मुझे। मैंने मिक्सी से नहीं पीसा है दोस्तों, क्योंकि मिक्सी में सारे विटामिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैं सिलबट्टे से ही पीसना है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा दरदरी से मसाले पीसूंगी। तो ऐसे करके सारे मेरे मसाले पीस चुके हैं दोस्तों, और ये है 200 ग्राम के करीब नमक जो मैं पीस लूँगी, क्योंकि नमक काले नमक के बिना अचार में जो टेस्ट होता है वो सही नहीं आता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमक डालने से। तो दोस्तों अभी इसको भी पीस लेंगे नमक को, और ये देखिए ये है, ये हींग है, और हींग को भी हम 2 ग्राम के करीब, 2-3 ग्राम मैंने हींग ली है उसमें 5 केजी आम में, आम के चार में डालने के लिए। और ये मैं क्या करूँगी, ये नमक में ही थोड़ा सा मैंने पीस दिया है, खाली तो इसमें चिपक जाती सिलबट्टे में। अब ये मैंने लिए हैं आम कटे हुए और लिया है, और ये मैंने जो धो के सुखा के रखा है, 5-6 घंटे लगे थे इसको सुखाने में, और बिल्कुल सूख के तैयार है। देखिए बिल्कुल जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी है इनकी, जो पानी था। और अब है क्या है, मैंने 200 ग्राम नमक डाला है उसमें, 500 ग्राम सॉरी नमक डाला है इसमें, और अब क्या करना है, नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल तैयार है, मिक्स कर दिया है मैंने नमक को, और अभी कम से कम इसको 8-9 घंटे के लिए हमें रख देना है ढक के। और मैं क्या करूँगी, रात भर 8-9 घंटे के लिए रात भर पूरी रात रख दूँगी, और क्योंकि रात भर में ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी भी निकल आए। देखिए रात भर में कितनी बढ़िया आम हो गए हैं, वो जो किनारे हैं वो सुनहरे से हो गए हैं, और सारा पानी निकल आया है जो नमक की वजह से। तो वो नमक का पानी हमें निकालना नहीं है, इसी में रखना है दोस्तों। अब हम कर लेंगे तैयारी अचार डालने की, जो लास्ट स्टेज है। तो पहले हम क्या करेंगे, तेल डालेंगे इसमें, और मैं अचार में हमेशा सरसों का तेल ही डालती हूँ। ये 1 केजी के समथिंग मैंने अचार में तेल डालने के लिए रखा है, और ये तेल अब हम गर्म कर लेंगे। ये तेल हमें खूब गर्म करना है दोस्तों, इतना कि ये इसमें उबाल सा आ जाए, और जब उबाल सा आ जाएगा तब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी, और फिर हमें हल्के ठंडे में सारे मसाले हमें डालने हैं। तो मैं अभी इसमें ये मैंने देखो जीरा वगैरह है, ये सारा मसाले जो है मेरे, नमक वगैरह ये सेवा सारा सामान पहले से ही रेडी करके रखा है, और ये काली सरसों, हमारे यहाँ काली सरसों ही ज़्यादा पड़ती है, और ये सौंफ है दरदरी सी पीसी है मैंने, ये है जीरा, और ये हींग ये पहले से पीस के रखी है दोस्तों मैंने, और ये काला नमक है, और ये हल्दी है, ये सारा मैंने जो सामान पहले बताया आपको पीस के रखा है, ये देगी मिर्च कलर के लिए, और ये कलौंजी है हमारे यहाँ डालते हैं इसमें अचार में, और ये है 200 ग्राम के करीब हल्दी, और ये है 200 ग्राम के करीब लाल मिर्च जो तीखी है बहुत, जो मुझे अचार में डालनी है। आप डाल सकते हैं, हमारे यहाँ डालते हैं, आप जैसा चाहो मिर्च अगर खाना चाहते हो तो डाल सकते हैं। कलौंजी मैंने भून ली है, और अब इसमें डाल देंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी में स्मेल आती है, और हल्दी जल्दी ख़राब भी कर देती है अचार को, इसलिए मेरे को हल्दी भूननी है। तो हल्दी को भून लेंगे, अब ये डाल देंगे जीरा। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, खूब खोल गया है, इसलिए इसमें वो जो झाग है वो बन रहे हैं, और ये मसाले हम डाल रहे हैं इसलिए इसमें झाग बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा उबला हुआ है। सारे को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, और अब डाल देंगे हम ये जीरा है, ये है अजवाइन, और ये है सरसों काली वाली, और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम और मसाले और चीज़ डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखिए अच्छे से बहुत अच्छी तरह बिना कलछी के, और कोई बड़ी होती है ये। अब हम डाल देंगे तो ये लाल मिर्च है हमारी जो कलर के लिए है, देगी मिर्च, तो मैंने 50 ग्राम के करीब 100 ग्राम के करीब ये डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। अब ये डाल हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, अब डाल देंगे हम
इसमें अब आम में पूरा मसाला मैंने डाल दिया है, और अब कलछी की सहायता से मैं इसको चला लूँगी। दोस्तों मैंने जो नमक था रात भर भिगोए हुए थे, ये मतलब भिगोए नहीं थे, जो रात भर नमक में रहे थे वो पानी मैंने फेंका नहीं है, इसी में है, और उसी में आपको ये मसाले डाल देने हैं। असली राज तो उसी पानी का है दोस्तों, वो पानी हमें फेंकना नहीं है, उसी आम के पानी में हमें सारे मसाले डाल देने हैं। और देखिए मसाला बन के तैयार हो गया अचार हमारा, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों कैसा लगा मेरा आम का अचार जो मैंने आपको डाल के दिखाया था? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सबसे जो भूमिका निभाते हैं वो मसाले हमारे होते हैं, वो निभाते हैं, क्योंकि अचार को जितना स्वादिष्ट हमको बनाना है उतना अचार में हमें जो क्वांटिटी है उसकी मसालों की वो हिसाब से डालनी होती है, और उसके बिना अगर कम ज़्यादा थोड़ा सा भी हो गया तो अचार हमारा बेकार हो जाता है। कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी हल्दी, कभी और कभी मिर्च ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, सब क्वांटिटी में डालना है। कितना आम के साथ कितना मात्रा में हमें नमक डालना है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नमक की सबसे ज़्यादा होती है, 1 केजी में 100 ग्राम नमक हम डाल सकते हैं, और 5 केजी में आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, बस बराबर है, 500 ग्राम बहुत है 5 केजी में, जैसे मैंने डाल के दिखाया था। और आप जो जो मैंने मसाले डाले हैं उस तरीका से आप आम का अचार बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। और अगर अच्छा लगा वीडियो और मेरा जो अचार डालने का ढंग है, विधि है, वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कुछ लाया तो देखते हैं क्या लाऊंगी, तो वो जो भी लाऊंगी वो मैं आपके समक्ष दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।